महाराज यही है वह दोनों नागिन के बच्चे। महाराज अगर यह बच्चे यहाँ हैं तो इनकी माँ वह नागिन भी अवश्य। एक बार की कहानी है, जंगल के बीचों बीच तालाब में बनी एक गुफा में एक इच्छाधारी नागिन अपने बच्चों के साथ वास किया करती थी। नागिन अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उनकी हमेशा देखभाल किया करती थी। एक दिन नागिन के दोनों बच्चे कहते हैं, माँ आज हमारा मछलियाँ खाने का मन है, इसलिए हम दोनों तालाब किनारे मछलियाँ पकड़ने जा रहे हैं। नागिन कहती है, ठीक है मेरे बच्चों, परंतु ध्यान से जाना और शाम होने से पहले लौट आना। नागिन माँ की आज्ञा लेकर दोनों भाई बहन मछलियाँ पकड़ने के लिए तालाब किनारे आ जाते हैं। तभी रास्ते में अचानक उन्हें एक जलपरी दिखाई देती है। वह जलपरी एक जाल में कैद होती है और उस जाल से बाहर आने के लिए तड़प रही होती है। उन दोनों बच्चों को देखकर जलपरी कहती है, बच्चों मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ सांस नहीं ले पा रही हूँ, कृपया मुझे इस जाल से बाहर निकालो। जलपरी की बात सुनकर दोनों भाई बहन को उस पर दया आ जाती है। वह दोनों उस जाल को जलपरी के ऊपर से हटा देते हैं और जलपरी को लेकर वापस पानी में छोड़ देते हैं। जाल से आजाद होकर जलपरी बहुत खुश होती है और कहती है, बच्चों तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे उस जाल से आजाद कराकर मुझ पर एहसान किया है। बच्चों तुम दोनों मुझे किसी नाग परिवार के लग रहे हो। जलपरी के पूछने पर दोनों भाई बहन उसे सारी बात बता देते हैं कि वह दोनों इच्छाधारी नागिन के बच्चे हैं और वह दोनों यहाँ मछलियाँ पकड़ने आए हैं। इतना सुनकर जलपरी तालाब में डुबकी लगाती है और मछलियों से भरा हुआ एक मटका लेकर बाहर आती है और उन दोनों भाई बहन को मटका देकर कहती है, बच्चों अगर तुम्हें कभी भी मेरी सहायता की जरूरत हो तो मुझे अवश्य याद करना। दोनों भाई बहन जब नागलोक वापस लौट रहे होते हैं तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह दोनों एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और देखते हैं कि एक शैतान राक्षस एक भैंसे से बात कर रहा होता है। मुझे किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द उस इच्छाधारी नागिन का पता बताओ, मुझे उस नागिन की नागमणि हासिल करनी है, उस नागमणि की शक्तियाँ ही मुझे अमर बना सकती हैं। भैंसा कहता है, चिंता मत कीजिए महाराज, ऐसा ही होगा, मैं कई मीलों तक सुनकर बता सकता हूँ कि वह नागिन कहाँ है। आप बेफिक्र रहिए महाराज, उस नागमणि के असली हकदार आप ही हैं। दोनों भाई बहन यह सारी बातें सुन लेते हैं और नागलोक आकर इच्छाधारी नागिन को सारी बात बता देते हैं। नागिन कहती है, बच्चों अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। वह दुष्ट भैंसा राक्षस किसी भी समय यहाँ आ सकता है, हमें इसी समय यहाँ से निकलना होगा। इतना कहकर नागिन अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ से निकलती है और उन्हें लेकर धरती लोक पर एक गांव में आ जाती है। वहाँ आकर वह एक घर बनाती है और स्वयं एक इंसानी रूप लेकर अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ रहने लगती है। काफी समय बीत जाता है। एक दिन अचानक वह भैंसा राक्षस अपने उस गुलाम के साथ नागिन की तलाश में धरती लोक आ जाता है। वहाँ आकर वह भी एक भैंसे का रूप ले लेता है और वह दोनों शैतान नागिन को तलाश करने लगते हैं। वहीं तभी उन्हें एक घर के आंगन में नागिन के वह दोनों बच्चे दिखाई देते हैं। उन दोनों बच्चों को देखकर भैंसा राक्षस का वह गुलाम उन्हें पहचान लेता है और कहता है, महाराज यही है वह दोनों नागिन के बच्चे। महाराज अगर यह बच्चे यहाँ हैं तो इनकी माँ वह नागिन भी अवश्य ही यही कहीं होगी। तभी नागिन अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। उसे देखकर वह दोनों शैतान उसे पहचान जाते हैं। भैंसा राक्षस उसी समय नागिन के पास आ जाता है और कहता है, मूर्ख नागिन अब बचकर कहाँ जाएगी, मैंने तुझे पहचान लिया है, अब जल्दी से मुझे वह नागमणि दे दे वरना मैं तेरे इन दोनों बच्चों को यहीं खा जाऊंगा। भैंसा राक्षस को देखकर नागिन अपने असली रूप में आ जाती है और उसको मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। तभी भैंसा राक्षस नागिन को एक मटके में कैद कर लेता है। नागिन को खतरे में देखकर उसके दोनों बच्चों को जलपरी का ख्याल आता है और वह दोनों जलपरी को मन ही मन याद करते हैं। तभी जलपरी उसी समय वहां आ जाती है और अपनी शक्ति से उस भैंसा राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर देती है। भैंसा राक्षस की ऐसी हालत देखकर उसका वह गुलाम भैंसा दुम दुबाकर वहां से भाग जाता है। नागराज इन सभी मिट्टी के शैतानों को सिर्फ पानी से ही नष्ट किया जा सकता है और यह सभी मिट्टी के शैतान एक जात कहीं बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच बने एक खंडर में एक चुड़ैल कुछ बर्तनों में धीमी आंच पर कुछ पका रही होती है। दरअसल वह चुड़ैल एक विशेष प्रकार का घोल तैयार कर रही होती है। चुड़ैल कहती है,
बस एक बार यह घोल तैयार हो जाए, फिर मुझे धरती लोक पर तबाही मचाने से कोई नहीं रोक सकता। और कुछ समय बाद उसका वह जादुई घोल तैयार हो जाता है। चुड़ैल उस घोल को उस रेगिस्तान में जगह जगह पर फैला देती है और एक मंत्र का उच्चारण करती है। मंत्र का उच्चारण करते ही उस जादुई घोल से ढेर सारे मिट्टी के शैतान प्रकट होते हैं। यह सब देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आखिरकार मेरी मेहनत सफल हुई, अब मेरे यह मिट्टी के शैतान धरती लोक पर तबाही मचा देंगे। मेरे मिट्टी के शैतानों, जाओ और धरती लोक के एक एक मनुष्य को मिट्टी का बना दो, कोई भी नहीं बचना चाहिए, हर तरफ तबाही ही मचा दो। चुड़ैल का आदेश पाकर उसके मिट्टी के शैतान एक एक करके एक जादू दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और फिर वह जादुई दरवाजा धरती लोक पर खुलता है और उसमें से वह सभी मिट्टी के शैतान बाहर आते हैं। वह सभी मिट्टी के शैतान एक गांव पर हमला कर देते हैं। सारे गांव में हाहाकार मच जाती है। उन बड़े विशाल मिट्टी के शैतानों को देखकर सभी इधर उधर भागने लगते हैं। वह मिट्टी के शैतान जिस भी व्यक्ति को छूते हैं वह व्यक्ति मिट्टी का पुतला बन जाता है। अरे भागो भागो भाई भागो, ये मिट्टी के शैतान तो सबको पत्थर का बना रहे हैं, भागो भाई भागो। परंतु भाई यह तो बहुत सारे शैतान हैं। वाले भागे भागे साधु बाबा के पास आते हैं और उन्हें मिट्टी के शैतानों के बारे में सारी बात बताते हैं। गांव वालों की बात सुनकर साधु बाबा कहते हैं, गांव वालों यह समस्या तो बहुत ही गंभीर है, हमें जल्द ही इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालना होगा, वरना हमारा गाँव एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा उसी समय इच्छाधारी नागिन और नागराज को वहाँ बुला लेते हैं और उन्हें मिट्टी के शैतानों को नष्ट करने का आदेश देते हैं। दोनों नागिन और नागराज अपनी पूरी शक्ति से उन मिट्टी के शैतानों का सामना करते हैं। नागिन और नागराज अपनी सभी प्रकार की शक्तियों का वार उन मिट्टी के शैतानों पर करते हैं, परंतु उन शैतानों पर उनकी शक्ति का कोई भी असर नहीं होता है। यह देखकर नागिन और नागराज हैरान हो जाते हैं। यह सब क्या हो रहा है, आखिर ये शैतान किस चीज के बने हैं, इन पर तो हमारी शक्तियों का कोई भी असर नहीं हो रहा है। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन और नागराज वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं उधर वह मिट्टी के शैतान साधु बाबा के स्थान पर भी पहुंच जाते हैं। साधु बाबा और गांव वाले वहां से भागने लगते हैं, परंतु इससे पहले ही वह शैतान उन्हें भी मिट्टी का पुतला बना देते हैं। फिर वह मिट्टी के शैतान बंटी और सीमा के पीछे पड़ जाते हैं। बंटी और सीमा अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं और भागते भागते एक पेड़ के पास आकर रुक जाते हैं। तभी बंटी और सीमा देखते हैं कि एक मिट्टी का शैतान पानी के अंदर जाता है और पानी के अंदर जाते ही वह शैतान नष्ट हो जाता है। यह देखकर बंटी और सीमा हैरान हो जाते हैं। बंटी कहता है, बहन क्या तुमने देखा, वह मिट्टी का राक्षस पानी के अंदर जाते ही नष्ट हो गया। इसका मतलब इन मिट्टी के शैतानों को सिर्फ पानी से ही नष्ट किया जा सकता है। परंतु तभी एक मिट्टी का शैतान उनके पास आ जाता है। उसको देखकर बंटी और सीमा वहां से भागते हैं और भागते भागते बंटी और सीमा उस जादुई दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं जहां से वह मिट्टी के शैतान गांव में आ रहे थे। उस दरवाजे को देखकर बंटी और सीमा समझ जाते हैं कि यह सभी मिट्टी के शैतान इसी रास्ते से गांव में आ रहे हैं। वह दोनों उसी समय नागिन और नागराज के पास जाते हैं और उन्हें इस बारे में सारी बात बताते हैं। नागराज, इन सभी मिट्टी के शैतानों को सिर्फ पानी से ही नष्ट किया जा सकता है और यह सभी मिट्टी के शैतान एक जादुई रास्ते से हमारे गांव में आ रहे हैं। बंटी और सीमा की बात सुनकर नागराज सबसे पहले अपनी शक्ति से गांव में बारिश करते हैं। बारिश के पानी से वह सभी मिट्टी के शैतान नष्ट हो जाते हैं। बंटी और सीमा नागिन और नागराज को उस जादुई दरवाजे के पास ले आते हैं। वह सभी उस जादुई दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और उस बंजर रेगिस्तान में उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं जहां वह चुड़ैल मिट्टी के शैतानों का घोल तैयार कर रही होती है। दुष्ट चुड़ैल तो यह सब कर रही है, बंद कर अपना यह काला जादू। नागराज की बात सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है, किंतु तभी नागराज अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को भी एक पत्थर का बना देते हैं और उसके द्वारा बनाए गए जादुई घोल के बर्तनों को नष्ट कर देते हैं।